हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी के ओडिशा गेमिंग। सो फ्रेंड्स, जो मैंने भी चैनल को सब्सक्राइब करना थी चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं वीडियो को लाइक करूँ, कमेंट करूँ वीडियो टी कमी लगुच। एंड जो मैंने भी विजिट करना निहाती भाव में तोर विजिट करूँ। थैंक यू।
कुछ ही समय पहले जहाजों जैसी दूर की चीजों को नजदीक से देखने के लिए दूरदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शक यंत्र बनाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया। क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाती? गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। जब उन्होंने अपनी दूरबीन बृहस्पति ग्रह की ओर घुमाई तो उसके चारों ओर चार छोटे तारों को देखकर वो हैरान हो गए। पहले उन्हें किसी ने नहीं देखा था, दूसरी रात तारों ने जगह बदल दी थी, फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला जो सही था कि वो तारे दरअसल बृहस्पति के आसपास चक्कर लगाने वाले चांद थे। लोग हमेशा आसमान में दिखने वाली उस रहस्यमय चमकीली रेखा को उसका फीका सफेद रंग देखकर आश्चर्य जताते हैं जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। वो क्या था? क्या गैलीलियो शायद ये ढूंढ निकाल सका? वो अनगिनत तारों से बनाया गया था जो इतने फीके थे कि दूरबीन के बिना उन्हें देखना मुश्किल था। गैलीलियो को यह एहसास हुआ कि वो सूरज थे, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, पर काफी दूरी पर थे। जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। ये फोटो हमारे सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर ये पृथ्वी नहीं है, ये अंतराल है जहां बादल, प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता। ये है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल रह ही जाते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में, विश्व का भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी है। ये विश्व सभी। Yeah!